अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कलेक्शन ऑफ आर्ट। खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये धागा ले लिया है और 12 नंबर का क्रोशिया है, और साथ ही साथ लेना है हमें रिंग। तो ये प्लास्टिक की रिंग है, आप चाहें तो शीशे की रिंग भी ले सकती हैं। और इस रिंग के ज़रिए से मैं अभी आप लोगों को टैसल बनाकर दिखाने जा रही हूँ। धागा इस तरह से लपेट लिया है और क्रोशिया का हुक इस तरह से रखना है धागे के ऊपर, इस तरह से रखते हुए घुमाना है और ये धागा खींचते हुए, ये नीचे से भी धागा खींचना है। और ये स्लिप नॉट बना लिया। स्लिप नॉट बनाने के बाद ये रिंग के अंदर रखा है इस तरह से, और ये दो लूप में से धागा निकाल लिया। तो वन सिंगल क्रोशिया इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रिंग कंप्लीट करनी है और काउंटिंग भी जारी रखें। तो ये 24 टाइम मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं, और ये धागा इस तरह से पकड़ते हुए ये इस तरह से रखना है, और ये 25 टाइम सिंगल क्रोशिया, 26, 27, 28 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट। और यहाँ इस स्टिच पे हुक डालते हुए इस तरह से धागा खींचा और ये स्लिप स्टिच के ज़रिए से अटैच कर दिया। तो ये खूबसूरत सी रिंग बनकर तैयार है। यहाँ पर एक चेन लेने हैं, एक चेन लेकर टर्न करना है, और टर्न करने के बाद ये इस स्टिच पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को मुकम्मल करनी है। ये 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, ये 3, 4, इसी तरह से काउंटिंग करते जाने हैं। और यहाँ पर धागा काटते ना, जो ये धागा था सिंगल क्रोशिया, हर स्टिच पे बनाते हुए 18 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया हर स्टिच पे बनाते हुए 18 टाइम मुकम्मल करने हैं। थ्री चेन बनाने के बाद इसे टर्न करने हैं, और इस स्टिच में बराबर वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, और अगेन बराबर वाले स्टिच में भी डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाने हैं, तकरीबन 18 थे सिंगल क्रोशिया, तो इसमें भी 18 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर स्टिच में
डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को मुकम्मल करना है। ये पूरी लाइन मुकम्मल हो गई है यहाँ तक, और ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पर वन चेन लेकर टर्न करना है और इस स्टिच में, बराबर वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया, वन चेन और सिंगल क्रोशिया, वन चेन और सिंगल क्रोशिया। तो हर स्टिच में यहाँ पर वन चेन लेकर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को मुकम्मल करनी है। ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट होगी। ये फ्रंट साइड है और ये देखें, ये बैक साइड है। यहाँ पर वन चेन, टू चेन, थ्री चेन, और थ्री चेन के बाद ये टर्न करना है, और टर्न करते हुए इस जगह पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये डबल क्रोशिया इस तरह से, और ये दूसरा डबल क्रोशिया, और ये तीसरा, और वन चेन लेकर थ्री स्टिच स्किप करते हुए फोर्थ वाले स्टिच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अटैच कर देना है। अगेन थ्री चेन, और ये यहाँ पर इस स्टिच में थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं। थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया, उसके बाद वन चेन लेकर थ्री स्टिच स्किप करनी है, और फोर्थ वाले स्टिच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अटैच कर देना है। तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। इसी तरह से बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन चेन लेते हुए बराबर से रखते हुए इस तरह से अटैच करना है सिंगल क्रोशिया के जरिए से। अगेन थ्री चेन, डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, और ये थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, यहाँ पर आखिरी वाले स्टिच पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अटैच कर दिया। वन चेन लेकर यहाँ से धागा कट करने हैं। धागा काटने के बाद इस तरह से धागा क्रोशिया के जरिए से अंदर की तरफ करते जाना है। दो तीन दफ़ा अंदर की तरफ कर दें, उसके बाद ये इस तरह से अंदर किया, इसी तरह से करते चले जाना है ताकि धागा खुल ना पाए, और अंदर करने के बाद इसे काट देना है ताकि कहीं से भी धागा नज़र ना आए। तो ये हमारा टसल बनकर तैयार हो गया है, और कुछ टसल मैंने पहले भी बना के रखे हुए थे। तो ये टसल मैं अभी दुपट्टे में अटैच करके आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो ये कुछ बीट्स है, और इस बीट्स के ज़रिए से अटैच करना है दुपट्टे में। दुपट्टे को इस तरह से फ्रंट साइड पर रखते हुए बिछाने के बाद ये कॉर्नर से, बैक साइड से सुई जो है इस तरह से डालना है,
और डालते हुए एक नॉट बना देना है। दो नॉट बना दिए हैं। नॉट बनाने के बाद ये बीट्स सुई के अंदर डाल दिया इस तरह से, और ये टसल लिया सामने की तरफ इस तरह से रखना है, और रखते हुए ये इस तरह से सुई डाला, और ये देखें बराबर से रखना है इस तरह से, और यहाँ पर नॉट बना देना है ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, लूज ना रहे। लूज़ अगर रहेगा तो फिर खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इस तरह से अटैच कर दिया, एक फिक्स हो गई, ये टसल फिक्स कर दिया मैंने, और एक नॉट और लगा दें, और यहाँ मोती से की तरफ से अंदर की तरफ ये ला दें। लाने के बाद एक नॉट यहाँ पर लगाना है ताकि ये मजबूती से जुड़ा रहे, और इसी तरह से टसल लगाते जाने हैं। ये अंदर की तरफ किया, और यहाँ से धागा कट कर देना है। एक टसल लगाकर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इसी तरह से दूसरा टसल भी मैं लगाकर अभी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। और इसी तरह से सारे टसल आपके दुपट्टे में लगेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा और पसंद भी आएगा। ये टसल लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यकीनन आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले खूबसूरत डिज़ाइन के वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। देखें इस तरह से दूसरा टसल भी मैंने लगा दिया है, और यहाँ से कट करने के बाद ये खूबसूरत सा पैटर्न आप लोगों के सामने, यकीनन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अपना रखें ख्याल, और मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।